तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूँ ऋचा शर्मा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के द्वितीय चरण की घोषणा कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने शिक्षक बहाली को लेकर सेकंड फेज की घोषणा कर दी है। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग से फाइनल बहाली की रिक्तियां मिलते ही बिहार लोक सेवा आयोग एक्शन में आ गया। बिहार समेत देश भर के लाखों अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने बड़ा अपडेट दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने शनिवार को शिक्षक बहाली के दूसरे फेज की घोषणा करते हुए जानकारी दी कि अभ्यर्थी 5 नवंबर से फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें कि आयोग की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया उसके अनुसार प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षकों माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए बीपीएससी स्कूल शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए निबंधन और शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 5 नवंबर से 14 नवंबर तक होगी। विलंब शुल्क के साथ 17 नवंबर तक निबंधन कर पाएंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 10 नवंबर से शुरू होगी, ये 25 नवंबर तक चलेगी। अब इस तिथि का विस्तार नहीं होगा और गलती सुधार का मौका भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप जब भी फॉर्म भरें पूरी सावधानी के साथ भरें। इसके तहत कुल 54,780 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें मध्य विद्यालय यानी कि 6 से लेकर 8वीं तक के लिए विद्यालय अध्यापक के कुल पद की संख्या है 16,140। माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9 से लेकर 10 के लिए विद्यालय अध्यापकों की कुल संख्या जो होगी, जो पदों की संख्या है वो है 18,877। माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल जो पद सामने आए हैं वो है 270। और उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से लेकर 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल जो पद है वो है 18,577। अब ये तमाम डिटेल्स है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षक वर्ग 6 से लेकर 8 तक के लिए कुल पद 234 हैं जो प्रशिक्षित होंगे। माध्यमिक शिक्षक यानी कि स्नातक प्रशिक्षित यानी जिसको TGT टीचर भी कहते हैं वो 9 से लेकर 10 तक के लिए जो उनके लिए कुल पद हैं वो है 248। उच्च माध्यमिक शिक्षक जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित हैं जिसको PGT टीचर कहते हैं तो 11 से लेकर 12 तक के लिए जो उनके लिए कुल पद है वो है 403। और प्रधानाध्यापक के लिए कुल पद है 31। आपको बता दें कि बीपीएससी के अनुसार TRE फेज 2 की परीक्षा में इस बार एक ही पेपर होंगे। अब ये पेपर 2.5 घंटे की होगी। इसमें भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में संबंधित विषय की परीक्षा होगी। भाग 1 क्वालिफाइंग विषय होगा, ये 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, और सामान्य अध्ययन 40 नंबर के होंगे और 40 सवाल पूछे जाएंगे। वहीं जिस विषय में शिक्षक बनेंगे उस विषय में 80 नंबर से 80 सवाल पूछे जाएंगे। भाषा में क्वालिफाइड करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तो ये तीनों एक ही बुकलेट में होगा। अब परीक्षा का जो सिलेबस है वो NCERT और SCERT से होगा। इससे पहले भी यही सिलेबस बताया गया था। इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। अभ्यर्थी अपनी अज्ञानता और अन्य कारणों से अपने फॉर्म को ठीक से नहीं भर पाए थे पिछली बार, तो इस बार ये आगाह किया गया है कि आप अपने फॉर्म को ठीक ढंग से भरें क्योंकि कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब वैसे तमाम टीचर जिन्होंने BED किया हुआ था वो इस ताक में बैठे हुए थे कि उनके लिए ये वैकेंसी कब आएगी। आपको बता दें कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने यह हुंकार घड़ी थी और उन्होंने कहा था कि पूरी कोशिश होगी सरकार की तरफ से कि जल्दी फेज 2 की वैकेंसी सामने आ जाए। सरकार ने जो सोचा उसको अमली जामा पहनाते हुए आज बीपीएससी ने ये बड़ी घोषणा कर दी, बड़ा ऐलान कर दिया कि अब सेकेंड फेज के लिए ये तमाम तिथियाँ जो हैं वो सामने आ गई हैं। 5 नवंबर से आपके जो फॉर्म है उस फिलिंग का काम शुरू हो जाएगा और इसमें एक एहतियात बरतना ये है कि आप जब भी फॉर्म भरें आप पूरी सावधानी के साथ भरें क्योंकि दूसरा चांस आपको नहीं मिलेगा। साफ तौर पर सख्त हिदायत बीपीएससी की तरफ से दी गई है। इस पूरे अपडेट पे आपको क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार।